जहां एक ओर सरकार ठगों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तो वहीं चिटफंड कंपनियों के हौसले बुलंद हैं और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। पूरा मामला पलेरा का है, जहां पर चिटफंड कंपनियों के द्वारा लोगों को तरह तरह के झांसे देकर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और कई लोगों ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ठगी की शिकार युवती ने थाने में आवेदन देकर ठगी करने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और वापस मांगने पर डराया धमकाया भी जाता है। वहीं पीड़िताओं के द्वारा मांग की गई है कि या तो हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं या फिर जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? वो स्मार्ट वैल्यू में है, कुछ लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा हमें प्रेरित किया कि यहाँ पे पैसे दे के आपको जॉब दी जाएगी या जॉब के लिए मतलब तैयार किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलने लगे कि अभी नहीं, कल दे देंगे। फिर ऐसे करते करते लॉकडाउन लग गया, तो उसके चक्कर में काफी टाइम भी हो गया और अभी भी पैसे वापस नहीं आए। कितने पैसे लिए? 15,000 रुपए। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? 7-8 लोग थे, मतलब हमने काफी आपके साथ कितने लोगों के लिए पैसे लिए हैं? काफी लोग हैंगे वहाँ पे। आपने आवेदन दिया थाने में? हाँ दिया था। क्या कहा था उन्होंने? वहाँ पे से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। क्या चाहती हैं आप? हम तो यही चाहते कि जो पैसे हैं वो वापस मिल जाए। ठीक। आपका? रोशनी नापेद। क्या समस्या हुई? दीपका अहरवान ने हमसे 7,000 रुपए लिए नौकरी के नाम से। अच्छा। और नौकरी नहीं मिल पाने पे हमने उनका मतलब थाने में आवेदन दिया। अच्छा। और आवेदन देने से वो हमारे उन्हें पता चला कि हमने उनके नाम पे आवेदन दिया, तो वो हमारे घर आए और घर आने पे उन्हें काफ़ी धमकियां दी हैं, मारने की भी, और मतलब शादी आदि नहीं होगी, तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, बहुत से मतलब बैड बोले उन्हें, तो जिसकी वजह से लो। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे कि आप आवेदन को अपना वापसी करिए, नहीं तो आगे बढ़ाया जाएगा, आपका मतलब घर बर्बाद हो जाएगा और आपके घर में पुलिस भी आएगी। प्रेम अहरवार। क्या समस्या आपकी? हमारे घर पर दीपका मैम आई थी, बोल रही थी कि हम आपको जॉब दिलाएंगे और उन्होंने हमें जॉब भी नहीं दिलाई और हमारे 500 रुपए भी ले गए और उनको कॉल लगाते हैं ना वो कॉल उठाती हैं और रामकुमार मैम को भी लगाते कॉल ना वो हमारा कॉल लगाती हैं और इन सब लोगों ने भी किया था, ना ही इनके पैसे दिला रही हैं और ना ही हमारे दिला रही हैं। हमने उनसे कम से कम 4-5 बोला कि हमारे पैसे दिला दीजिए, बोल रहे हम कहाँ से दिला दें आपके पैसे, और हमारे घर पर वो धमकी देने भी आई थी, बोल रही थी आपकी शादी नहीं कराने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अच्छा। जॉब दिलाने के लिए। अच्छा, तो फिर जॉब मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली जॉब। तो फिर आपने किसी शिकायत की? पलेरा से यूडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।